लास्ट टाइम तो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग थी, इस बार लीची की है, तो ये आइडिया कवर कैसे आया? स्ट्रॉबेरी की तो एक फसल होती है, एक टाइम होता है, वो क्लोज हो जाती है। अब ये लीची तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने कहा लोगों को लीची पे भी बुलाते हैं। ठीक है, जैसे अभी देखें जून है, आज 9th जून है, लेकिन लीची लेट हो गई। ठीक है, मार्केट में लीची नॉर्मली मे के मिड में आ जाती थी, अभी तकरीबन 20 डेज का गैप आ गया है। लीची अब तैयार है मार्केट में आने के लिए, हम 3 डेज हो गए हम मार्केट में दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खा रहे हैं। सीज़न आता है तो हम प्लान करते हैं, बच्चों को बेसिकली बुलाना चाहते हैं, बच्चे आए इन्जॉय करें, लोग क्रॉप्स के करीब आएंगे, देखें बच्चे आए बच्चे देखेंगे राइस कैसे लगा हुआ है, आम कैसे लगे हुए हैं, ट्रीज़ हैं, ये बेसिकली लोगों को नेचर के करीब लाना चाह रहे हैं। लाहौर में पहले बहुत कल्चर था, पिकनिक, फेस्टिवल्स, मेले, ये होता था, अब कुछ नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा चलें जी हम शुरू करते हैं, हमें देख के शायद लोग और शुरू कर देंगे। नेक्स्ट फेस्टिवल मेरा तो प्लान है बच्चों को पूल पार्टी कराने का, ठीक है, और इंशाल्लाह जुलाई में कराएंगे। पाकिस्तान खबर टीवी के वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस देख सकें। देखते रहें पाकिस्तान खबर टीवी। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान खबर टीवी के साथ मैं हूँ फातिमा वसीम, और आज हम आपको लेकर आए नीलोफर फार्म्स पे। आपकी मैंने कुछ महीने पहले आयशा नियाज़ी से मुलाकात कराई थी, जो जब स्ट्रॉबेरी का पूरा उन्होंने वो फील्ड पे वो लगाई हुई थी और उसकी फार्मिंग कर रही थी। आज हम उनसे जानने आए हैं कि स्ट्रॉबेरी से लीची में कैसे कन्वर्ट होगी और लीची के बागात को उनको फार्म करने का कवर कैसे ख्याल आया। तो आइए उनसे जानते हैं कि कितना अरसा लगा इस फसल को पकने में और फेस्टिवल रखने का आइडिया कवर कैसे आया। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मैम, आप बताएं आप कैसे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा आयशा मैम, लास्ट टाइम तो स्ट्रॉबेरी की फार्मिंग थी, इस बार लीची की है, तो ये आइडिया कवर कैसे आया? बेटा हम काफ़ी सालों से यही काम कर रहे हैं, ठीक है ना, हम मुख्तलिफ क्रॉप्स में डील करते हैं, तो लीची भी हमारी एक साइड थी। आप लोगों को स्ट्रॉबेरी पे हुआ, वो तो स्ट्रॉबेरी की तो एक फसल होती है, एक टाइम होता है, वो क्लोज़ हो जाती है। अब ये लीची तैयार हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमने कहा लोगों को लीची पे भी बुलाते हैं। ठीक है, अब लोग लीची पे, आज जो है ना यहाँ पर फेस्टिवल हो रहा है, बच्चे लीची आए हुए हैं। ये इधर ट्रीज तो बहुत पुराने हैं, हमने ये कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट होता है मेरे पास इनका, 10 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट है। तो हम यहाँ से लीची लेते हैं, हम मुख्तलिफ बड़े बड़े स्टोर्स को, बड़े बड़े ब्रांड्स को सप्लाई यहाँ से जाती है, फिर लोगों के घरों तक जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ये कौन सी इसका क्रॉप कहाँ से आता है, कहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, क्या ये पाकिस्तान की फसल है या आउट ऑफ कंट्री? नहीं बेटा, पाकिस्तान में बहुत जगह है, मुल्तान भी में भी लगी हुई है, लाहौर में भी 3-4 जगह लगी हुई है, एक शरफपुर जगह है, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े बाग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मुख्तलिफ जगह पे हैं। ये पुराने दरख्त होते हैं, आप देख रहे होंगे 40 फीट का है, 50 फीट का है, कई जो हैं ये 40 साल पुराने दरख्त हैं, कोई 50 साल हैं, कोई 20 ईयर्स हैं, ये प्रॉपर बाग होता है, जिसे कहते हैं ना बाग, आप बाग में आए हो बेटा, ये क्रॉप नहीं है, सीजनल नहीं होता, इस तरह नहीं होता कि इसको लगाया, इसको उतार दिया, फिर इसकी चावल या मक्का बन लगी, ये लगा रहता है, ये लगा रहता है। इसका कोई सीड होगा स्पेसिफिक लीची का, जो बीज आता है जिसे अगर हम लगाएं तो फिर वो ग्रो करता है? नहीं नहीं, ट्रीज होते हैं वो, जैसे आप मुख्तलिफ डिस्टेंस पे आप ट्रीज लगाते हैं, ठीक है, फिर उनको वो टाइम लगता है, फिर वो फल देते हैं, एक प्रोसेस पे आता है, ये वो नहीं है जिस जो आप लोग समझ रहे हो ना कि बीज डाला तो हो गया, नहीं नहीं नहीं, इनके प्रकार ट्रीज आते हैं, उनको प्लांटेशन होती है, डिस्टेंस मेंटेन करके लगाते हैं और फिर ये तैयार होता है। 4 फुट का फासला होता है एक एक दरख्त से दूसरे दरख्त में, जैसे अभी आप ये 8 एकड़ पे आए हुए, तो तकरीबन यहाँ पर 160 ट्रीज हैं, ह्यूज नंबर ऑफ ट्रीज। तो इनकी टेक केयर कैसे करते हैं, क्योंकि कीड़ा भी तो लग जाता है ना ऑब्वियसली, जितना ओपन जगह पे है ये चीज़ें, इनको आप सिक्योर कैसे करते हैं कि इन पर वो लाइक कीड़ा ना लगे या फसल ख़राब ना हो? बेटा स्प्रेज होते, ठीक है ना, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, कुछ ट्रीज़ के नीचे हमने चूना लगाया हुआ है, कुछ के नीचे हमने दवाई डाली हुई है, वो मुख्तलिफ किस्म का कीड़ा लग जाता है, लीची को तो कम लगता है, ट्री ज़्यादा डैमेज होता है, उसकी जड़ों में लग जाता है, दीमक आ जाती है, किस इलाकों में की दीमक बहुत है, दीमक चढ़ जाती है ऊपर, ट्री बिल्कुल ख़राब हो जाता है, केयर तो करनी पड़ती है। जैसे अभी देखें जून है, आज 9th जून है, लेकिन लीची लेट हो गई, ठीक है, मार्केट में लीची नॉर्मली मे के मिड में आ जाती थी, अभी तकरीबन 20 डेज का गैप आ गया है, लीची अब तैयार है मार्केट में आने के लिए, हम 3 डेज हो गए हम मार्केट में दे रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग खा रहे हैं, अभी भी लोगों के बल्कि हमें कॉल आ रही है कि लीची कच्ची तो नहीं है? नहीं, हमने कहा नहीं जी, पाकी धूप निकल आई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह में थोड़ी सी और धूप निकालेगा तो बेहतरीन हो जाएगा। तो इसके साथ साथ ये कितना अरसा होता है आपके पास, लाइक कब से लेके कब तक ये लीची की फसल होती है? बेटा ट्रीज़ पे लगी हुई होती है ये, 15-20 डेज की गेम होती है, 15-20 डेज में ये सारे ट्रीज़ खाली हो जाएंगे और लीची उतर के मार्केट में चली जाएगी, बिक जाएगी, सीज़न इतना ही है, लीची का सीज़न लंबा नहीं है।
लीची का सीजन लंबा नहीं है, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इस पे पानी शानी का और ये बाकी सारी चीज़ों का कैसे ख्याल रखा जाता है? बेटा हम तकरीबन ऑल्टरनेट डे पे पानी देते हैं और ये पानी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर पानी नहीं देंगे, पानी नहीं लगाएंगे तो वो लीची का जो आप देखें लीची पकड़ें तो उसका छिलका ही फट जाता है। पानी देंगे तो वो छिलका मजबूत रहेगा, हार्ड रहेगा, सही बेहतरीन रहेगा। तो बच्चों के लिए एक्टिविटी प्लान करने करते हैं क्या आप लोग हर मंथ करते हैं ये चीज़ के आफ्टर ईयर और समथिंग? बेटा सीज़न आता है तो हम प्लान करते हैं, बच्चों को बेसिकली बुलाना चाहते हैं, बच्चे आए इन्जॉय करें, लोग क्रॉप्स के करीब आएंगे, देखें बच्चे आए हैं, बच्चे देखेंगे राइस कैसे लगा हुआ है, आम कैसे लगे हुए हैं, ट्रीज़ या ये बेसिकली लोगों को नेचर के करीब लाना चाह रहे हैं। और कुछ भी नहीं है, हमारा कोई और एजेंडा नहीं है, हम चाहते हैं लेडीज़ फैमिलीज़ घर से बाहर आएँ, ठीक है, निकलें, खुद थोड़ी सी पिकनिक करें। लाहौर में पहले बहुत कल्चर था, पिकनिक, फेस्टिवल्स, मेले, ये होता था, अब कुछ नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा चलें जी हम शुरू करते हैं, हमें देख के शायद लोग और शुरू कर देंगे। तो फैमिली का क्या रिस्पांस है और कितना फुटफॉल आपको हर मंथ में तकरीबन यहाँ पर मिलता है? फेस्टिवल पे बहुत सारा फुटफॉल होता है बेटा, अभी भी आप बाहर जाएंगे लोग बैठे हुए होंगे, सुबह 10 o'clock से लोग आ रहे हैं टिल 7 o'clock तक आते रहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो लीची की सप्लाई आप लोग बड़े बड़े ब्रांड्स में भी देते हो और ये सिर्फ लाहौर में आप देते हैं कि आउट ऑफ लाहौर भी देते हैं? नहीं, जैसे डिमांड आती है उस पर होता है, गुजरांवाला भी जाती है, सियालकोट भी जाती है, इस्लामाबाद भी जाती है, पैक होकर चली जाती है, रात में निकालते हैं, सुबह में मंडी में पहुँच जाती है। पर के जी आप किस तरह से सेल? जो मार्केट पर होती है हमारे फार्म से तो 450 के अराउंड जा रही है, ठीक है, और मार्केट में जो है वो 750-800 जो उनका दिल चाहता है वो भेज लेते हैं। सर आपका क्या प्लान है कि आपने नेक्स्ट फेस्टिवल कब कराना है? नेक्स्ट फेस्टिवल मेरा तो प्लान है बच्चों को पूल पार्टी कराने का, ठीक है, और इंशाल्लाह जुलाई में कराएंगे। हमारे साथ यहाँ पे एक फैमिली मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि फेस्टिवल उनको कैसा लगा। जी सर आप बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसा लगा आपको यहाँ पे आके और लीची के बाग को एक्सप्लोर कर? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम हम आए हैं यहाँ पे और यहाँ पे जो मैडम है और माहौल यहाँ का, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, मुझे था कि हम लोग जाएंगे तो बस ऐसे नॉर्मल ही है बस, लेकिन अच्छा है सब सिस्टम यहाँ पे। तो लीची को आपने खा के भी देखा, टेस्ट किया, कैसी लीची है? डिफरेंट है बहुत, मतलब कि मार्केट से जो ले रहे हैं वो उसमें और उसके टेस्ट में बहुत डिफरेंट है। और जहाँ पे ये लोकेशन लोकेटेड है यहाँ पे आना आपको मतलब कि पेन नहीं लगा कि आपको अच्छी क्वालिटी की चीज़? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आर यू फ्रॉम पाकिस्तान? नो। फ्रॉम वेयर आर यू? वियतनाम। 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 सो हाउ डू यू लाइकिंग द वेदर ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ? आई लाइक पाकिस्तान। You came here after marriage? No, we are not married yet. I just visit my boyfriend home. He is just accompanying you to visit Lahore overall? That's for him. Okay. So how did you like Lahore? Today just the first day I'm here. So did not go, only this place first time I come. So how did you like the fruit of Lahore? Yeah, this one is the best I want. I like it. You like lychee? Yeah, I like this one. So tell us something about lychee. This tastes like sweet and the smell is good. This I like from the fruit. Where are you living over here in Lahore? In Walton. Walton, Walton is driven by. So have you ever heard about Lahore and its culture? How are you finding it out? I just come here, the reason from my boyfriend. Right. Yeah, I don't know about Lahore. So when are you guys getting married? As soon. As soon as possible? Yeah, as soon as possible. Okay, thank you so much. सो इसी के साथ ये लोग यहाँ पे इंजॉय भी कर रहे हैं और वो देखें बॉयफ्रेंड साहब को कि वो आते साथ ही पहले उनको लीची के बाग दिखाने ले आए हैं, कितने मजे की बात है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह।